जब मैं घर से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो कि किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा कि किस किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यहाँ वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था उस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल गया था।